गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स। सिंपल है, एक्स के पावर 7 अपॉन 7 प्लस का कितना सी, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। नेक्स्ट क्या है देखें, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5 अपॉन 3 इंटू डी एक्स। एक पावर को हम लोग बढ़ाएंगे तो एक्स के पावर हो जाएगा 5 अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 5 अपॉन 3 प्लस का 1, डेट इज 3 अपॉन 5 इंटू एक्स के पावर 8 बाई 3 प्लस का सी, यानी 3 बाई 5। तो 3 बाई 5 एक्स के पावर 8 बाई 3, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में देखिए, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस का 1, डेट इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स के पावर 2, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस का सी। सो ऑप्शन कौन सा स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, एक्स के पावर 1 अपॉन 3 इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें एक पावर को बढ़ाएंगे, 1 अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 1 अपॉन 3 प्लस का 1, डेट इज 3 बाई 2 एक्स के पावर 4 बाई 3 प्लस का क्या स्टूडेंट देखिए सी, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना क्वेश्चन देखिए 4, तो 3 बाई 4 एक्स के पावर 3 बाई 4 एक्स के पावर 4 बाई 3, 3 बाई 4 एक्स के पावर 4 बाई 3, 3 बाई 4 एक्स के पावर 4 बाई 3, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। नेक्स्ट क्या है देखिए स्टूडेंट्स, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स के पावर 1 अपॉन 3 इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 3 माइनस 1, डेट इज एक्स के पावर 1 अपॉन 3 माइनस का 1 प्लस का सी। सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा माइनस के 1 अपॉन माइनस के 2 बाई 3 एक्स के पावर माइनस के 2 बाई 3 प्लस का सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 चला जाएगा ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 बाई 2 एक्स के पावर सिंपल 2 बाई 3 प्लस का सी। देखिए स्टूडेंट्स कौन सा आंसर है, 2 बाई 3 एक्स के पावर 2 बाई 3, 3 बाई 2, 3 बाई 2, 3 बाई 2, 3 बाई 2 एक्स के पावर 2 बाई 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखें, एक्स के पावर 2 बाई 3 इंटू डी एक्स, एक वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तो जैसे स्टूडेंट्स बढ़ाओगे वैल्यू तो ये बन जाएगा एक्स के पावर 5 बाई 3, तो 5 बाई 3 और ये 3 ऊपर और डिवाइडेड बाई कितना 5, तो 3 ऊपर डिवाइडेड बाई 5, ऑप्शन कौन सा स्टूडेंट्स 3 बाई 5 एक्स के पावर 5 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 3 टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 3 के पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 3 प्लस का सी, ये रहा स्टूडेंट्स इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 टू द पावर लॉग एक्स इंटू डी एक्स, इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर लॉग एक्स को तो ऐसे रहने देते हैं, डिवाइड में जो भी वैल्यू है लॉग ऑफ टू अब प्लस में क्या ऑप्शन देखिए, प्लस में सी। यहां पे स्टूडेंट्स वेरिएबल का यूज़ नहीं हो पा रहा है, इस वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉग के प्रॉपर्टीज़ का पहले यूज़ करते हैं। लॉग के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बेस चेंज थ्योरम यूज़ करते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स कितना, एक्स के पावर लॉग ऑफ टू इंटू में डी एक्स। और जैसे स्टूडेंट्स बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज़ हो गया तो ये बनेगा, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, लॉग ऑफ टू प्लस का वन अपॉन लॉग ऑफ टू प्लस का वन
प्लस का सी, ये रहा स्टूडेंट हमारा क्या चीज आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया स्टूडेंट, देखिए टू के पावर एक्स के पावर लॉग ऑफ टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साथ में क्या है स्टूडेंट देखिए डी एक्स। तो कॉस सेक स्क्वायर एक्स का स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, इसका हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का कॉस सेक एक्स प्लस का सी। तो माइनस कॉट माइनस कॉस सेक माइनस कॉट माइनस कॉस, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा स्टूडेंट्स डी। रेशनलाइजेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और रेशनलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स नीचे वाला वैल्यू हमारा बन जाएगा वन इंटू डी एक्स। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस के साथ सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और माइनस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स को लिखा जा गया स्टूडेंट्स सेक एक्स, और प्लस का क्या देखिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बन जाएगा टू माइनस होता है तो स्टूडेंट्स आ जाता है किसका साइन का, तो टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दो से दो कैंसिल हो गया, ये बन गया स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए कितना टेन ऑफ एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस वन का हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स, और प्लस का सी, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। ट्वेल्व में देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर लेते हैं वन को लिख लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दो पार्ट में सबसे पहले ब्रेक करेंगे, जैसे दो पार्ट में ब्रेक करोगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस के प्लस के साथ ये बन जाएगा हमारा कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोग को मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और कॉस सेक स्क्वायर एक्स का होता है स्टूडेंट्स माइनस का कॉट एक्स, और प्लस का सी। ऐसा करने से ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा स्टूडेंट देखिए सी। इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स, तो ऐसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दो पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल होते ही पहला बन जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉस सेक स्क्वायर एक्स का स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा माइनस का कॉट माइनस का कॉट एक्स, और माइनस का क्या होगा स्टूडेंट देखिए टेन एक्स प्लस का सी। ऐसा करने से ऑप्शन नंबर कौन सा स्टूडेंट देखिए ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन के दौरान, यहाँ लिखा है कॉस ऑफ टू एक्स माइनस का कॉस ऑफ ट्वेल्व, ये टू अल्फा तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है कॉन्स्टेंट, और कॉस ऑफ एक्स हमारा वेरिएबल हो रहा है कॉस ऑफ टू एक्स, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, हम लोग स्टूडेंट जब फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन यानी कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी कॉस सी माइनस डी का स्टूडेंट फॉर्मूला आता है कॉस ऑफ सी माइनस कॉस डी, फॉर्मूला आता है माइनस का साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला स्टूडेंट जब अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा माइनस का टू, यहाँ पे एक टू छूट गया है
माइनस का टू, तो सिंपल हो जाएगा माइनस का टू इंटू, ये क्या बन जाएगा देखे, साइन ऑफ दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड, तो सिंपल बनेगा एक्स प्लस अल्फा फिर प्लस के साथ यानी साइन, फिर दोनों को डिवाइड करके तो एक्स माइनस अल्फा बाई टू हो गया डिवाइड बाई, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा माइनस का टू साइन ऑफ एक्स प्लस का अल्फा बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई टू इंटू डी एक्स। अब ये टू से टू कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, देखिए स्टूडेंट्स क्या बन रही है इंटीग्रेशन। साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस बी एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई टू एंड साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई टू। अल्फा एक्स माइनस अल्फा बाई टू, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में एक जैसा एंगल बनाना पड़ेगा, तो दोनों में एक जैसा एंगल नहीं है, तो एक जैसा एंगल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं वैल्यू, साइन ऑफ कितना है एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा बाई साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई टू। जब स्टूडेंट्स हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा फोर टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ x माइनस अल्फा बाई टू इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसे फॉर्मूला लगा लेते हैं टू कॉस सी इंटू कॉस डी का, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं टू कॉस ए कॉस बी का, तो इसके बाद स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाने के बाद जो बनेगा वो बन जाएगा टू बाहर कर लो, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना कॉस ऑफ एक्स प्लस का कॉस ऑफ अल्फा प्लस का कॉस ऑफ अल्फा एक्स इंटू में डी एक्स। फाइनल आंसर कितना होगा देखिए टू कॉस का हो जाएगा स्टूडेंट बताइए साइन एक्स, और कॉस अल्फा तो कॉन्स्टेंट है तो अल्फा बाहर यानी एक्स कॉस अल्फा प्लस का सी एक्स कॉस अल्फा प्लस का सी एक्स कॉस अल्फा प्लस का सी। तो देखिए स्टूडेंट्स कौन सा आंसर बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा स्टूडेंट देखिए फर्स्ट ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत है थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पे अप्रोचेबल होने के लिए ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वन प्लस साइन इतना, तो इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन रूट के अंदर प्लस में, तो ये बनेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, रूट टू तो बाहर निकल जाएगा अंदर बच गया स्टूडेंट्स कॉस कॉस ए इंटू डी एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो रूट टू कॉस एक्स का क्या हो गया स्टूडेंट बताइए साइन ऑफ एक्स प्लस का सी, तो रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस सी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ किस तरह से लिखा जाएगा स्टूडेंट देखिए वन प्लस साइन है, तो वन प्लस साइन का तो हम लोग कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो वन प्लस साइन का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट साइन ऑफ टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो वन प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, तो रूट अंडर वन प्लस साइन टू एक्स का क्या फॉर्मूला होगा देखिए वन प्लस टू टेन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के दौरान क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए इंटीग्रेशन वन प्लस टेन स्क्वायर यानी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस का टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स स्टूडेंट्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए क्या बन रहा है फाइनल रिजल्ट रूट के अंदर ये बन गया वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन सेक एक्स का भी स्क्वायर, दोनों को एक साथ ले लेते हैं इंटू डी एक्स, तो रूट में से एक वैल्यू बाहर निकल जाएगा तो बचेगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे स्टूडेंट्स हम लोग बदली करेंगे, ये बन जाएगा हमारा कॉस एक्स अब प्लस साइन अपॉन ये, तो साइन अपॉन यानी इसे सिंपल साइन एक्स बचेगा इंटू में डी एक्स, कॉस एक्स का हो गया स्टूडेंट्स क्या चाहिए देखें
कॉस एक्स का हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का कॉस एक्स, और प्लस प्लस भी क्या चाहिए सी। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी। पहले कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस का कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन देखें, दोनों वैल्यूज माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर देखिए स्टूडेंट्स क्या सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स, इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, टू साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे डायरेक्टली, टू साइन स्क्वायर एक्स इसे ऊपर करेंगे तो वन अपॉन टू, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स वन अपॉन टू, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा स्टूडेंट्स कितना माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, माइनस का वन अपॉन टू कॉट एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन टू एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया टू, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा स्टूडेंट बताइए टू साइन एक्स प्लस सी, तो टू साइन एक्स प्लस सी ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्या है इंटीग्रेशन, वन माइनस साइन एक्स है, तो वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे दो पार्ट में पहले ब्रेक कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा कॉसेक कॉसेक नहीं सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब साइन एक्स है एक्स से बन जाएगा सेक एक्स, और एक्स बन जाएगा हमारा टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का लिखेंगे सेक एक्स प्लस का सी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी। 21 में क्या देखिए कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस का वन इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का कॉट एक्स और प्लस का एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा टेन एक्स, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना सेक एक्स और प्लस का सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके क्वेश्चन नंबर 23, इसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा पलट लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर को लिख देंगे हम वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स स्टूडेंट्स नीचे आके बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। फाइनली ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा कितना देखें टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस का वन इंटू डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है स्टूडेंट बताइए फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का फॉर्मूला आता है टेन ऑफ एक्स, और वन का हो गया स्टूडेंट्स एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से स्टूडेंट्स वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स इंटू क्या स्टूडेंट देखें डेक्स, ये पूरा वैल्यू हमारा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली कितना बचा है स्टूडेंट देखें इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसे सेपरेटली इंटीग्रेट कीजिए तो एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का सी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी।
25 में क्या क्वेश्चन देखे, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, हमारा कितना जगह देखे 1 इंटू में डी एक्स। ये स्टूडेंट्स ऊपर वाला वैल्यू बन जाएगा हमारा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस के साथ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स को चाहते हैं हम लोग बदल सकते हैं, ये क्या बनेगा स्टूडेंट देखें कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का माइनस नहीं प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। फाइनल जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट देखें माइनस का कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का प्लस नहीं माइनस का एक्स प्लस का सी। तीनों वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 26, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स को एक साथ माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है सिंपल 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे स्टूडेंट्स दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 1 तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा सिंपली, यानी ये 1 माइनस का यानी कि 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कितना है देखिए साइन एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। वन प्लस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे तोड़ा जाएगा थोड़ा देखिए, 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं रेशनलाइजेशन कर देते क्या होगा देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग परफॉर्म करते हैं रेशनलाइजेशन, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए रेशनलाइजेशन। इसका तो स्टूडेंट सबसे पहले एक्स लिख देते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना देखें कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बन जाएगा एक्स माइनस का ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और साथ में इंटू में डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंस फाइनल आंसर क्या बनेगा, एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, माइनस का माइनस माइनस प्लस यानी सेक एक्स और प्लस का सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। तो सेक एक्स प्लस में टेन एक्स माइनस में और एक्स प्लस में ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूशन। वन प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय वन माइनस साइन एक्स, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स रेशनलाइजेशन करके देखें क्या, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ये बनेगा वन प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दो पार्ट में स्टूडेंट्स इसे ब्रेक करते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, वन प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अभी सर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे देखें, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स प्लस का टेन स्क्वायर एक्स माइनस का टू माइनस नहीं प्लस का टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू में क्या रहेगा स्टूडेंट देखिए डी एक्स। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट देखिए सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स
इसे स्टूडेंट लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसे कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, तो सेक स्क्वायर एक्स का फिर से टेन एक्स, ये बन जाएगा टू टेन एक्स, और माइनस का वन का बन जाएगा स्टूडेंट माइनस एक्स, और प्लस का टू सेक एक्स का बन जाएगा टू सेक एक्स, और प्लस का कितना सी। ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए, टू टेन एक्स माइनस का एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स हो गया, और प्लस का ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्लास में देखिए क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, हमें रेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए, तो ये बन जाएगा वन माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स इंटू में क्या है डी एक्स, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारा माइनस का कॉटेक्स और माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए, दोनों वैल्यूज माइनस में, तो दोनों वैल्यूज हमारा माइनस में कौन सा है, नन ऑफ दिस, दोनों वैल्यूज माइनस में आया ही नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस कॉट प्लस कॉसेक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए, सेक इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स सेक नहीं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स के बगल में स्टूडेंट्स हमेशा साइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये साइन इनवर्स एक्स तो है ही, इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स, साइन एक्स का मतलब होता है एक्स, तो सिंपल में पाई बाई टू माइनस का एक्स इंटू डी एक्स, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स कितना देखिए, पाई बाई टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी, तो पाई बाई टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, इस पूरे की जगह पे हमें क्या लाना पड़ेगा, टैन का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन टैन इनवर्स रूट, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स टू माइनस होता है तो साइन का, तो टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स, रूट से स्टूडेंट्स बाहर निकालेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस तो टेन स्क्वायर, तो सिंपल एक टेन एक्स बचेगा, तो टेन इनवर्स सिंपल बच गया क्या चाहिए देखिए, टेन एक्स इंटू में डी एक्स, तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा जो इंटीग्रेशन का टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स दैट इज एक्स इंटू डी एक्स, और एक्स का कितना होगा देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन सी, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। इसको भी स्टूडेंट्स क्या बदलने की कोशिश करना चाहिए हमें, हमें कॉट बदलना चाहिए, तो इसको स्टूडेंट्स कॉट का फंक्शन बनाइए, तो कॉट का फंक्शन देखिए कैसे बनाते हैं, कॉट इनवर्स इंटू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई माइनस है तो टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टू से टू कैंसिल एक्स साइन कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन यानी कॉट हो गया, इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स, सिंपल में एक बाहर हो जाएगा, बाहर होगा तो एक्स इंटू डी एक्स, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस का सी, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। 32 में देखे इन सब के जगह पे हमें क्या बनाना चाहिए, साइन का फंक्शन बनाना चाहिए, तो साइन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या चीज, साइन इनवर्स, ये जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है साइन ऑफ टू एक्स, इसका फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट बताइए, साइन ऑफ 2x इंटू में डी एक्स, यहाँ से स्टूडेंट्स हमें बचेगा 2x इंटू डी एक्स, तो आंसर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ऑप्शन कौन सा स्टूडेंट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन सब के जगह पे हमें लिखना चाहिए कॉस का फंक्शन, कॉस ऑफ x लिखना चाहिए, तो वी नो डेट स्टूडेंट्स कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कॉस का नहीं, ये होता है हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस का फॉर्मूला होता है। ये स्टूडेंट्स कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट देखिए, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स कॉस टू एक्स, थोड़ा सा स्टूडेंट्स हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, इसे स्टूडेंट्स लिखा जाएगा टू एक्स इंटू डी एक्स, 2x का हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ऑप्शन नंबर कौन सा स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों को सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें किस में बदलना चाहिए, tan के फंक्शन में बदलना है, तो देखिए कैसे बनेगा, tan इनवर्स इसे रहने देते हैं,
कॉस सेक स्टूडेंट्स वन अपन साइन लिख लेते हैं, और इसे स्टूडेंट्स हम लोग कॉस एक्स अपन साइन एक्स लिख लेते हैं इंटू डी एक्स। एलसीएम वगैरह लोगे स्टूडेंट्स तो ये बनेगा हमारा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। वन माइनस कॉस एक्स का स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। दोनों में से कुछ कॉमन होगा स्टूडेंट्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन चला जाएगा, तो लिखा जाएगा स्टूडेंट्स कितना देखें टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, ये बन जाएगा टेन एक्स बाई कितना टू इंटू डी एक्स। तो टेन इनवर्स टेन एक्स का मतलब हो गया स्टूडेंट्स एक्स, तो एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस का सी, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस का सी, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुन देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट देखिए, डिवाइड कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस का वन, डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से ये बन जाएगा एक्स के पावर फोर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अब कितना से लगाओगे स्टूडेंट देखिए, आप लगाओगे माइनस एक्स से, ये माइनस वन से, माइनस वन से। जैसे स्टूडेंट्स माइनस वन से लगाओगे एक्स के पावर फोर एक्स स्क्वायर तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ऊपर में प्लस का वन, तो माइनस एक्स लगाओगे यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस एक्स और माइनस का वन, दोनों वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, सिंपल में एलसीएम कितना बचेगा स्टूडेंट देखिए टू। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसे क्या लिखेंगे सुन देखिए, इसे लिखेंगे वन, पहले भागफल लिख देते हैं, इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू जिससे भाग किए हैं उसका साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वन आप माइनस के साथ प्लस का टू इंटू में क्या चाहिए सुन देखिए डी एक्स। अब इसका स्टूडेंट्स हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करने के बाद डिवाइड तो बच जाएगा ना सर, कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू अपॉन अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस का वन। ये काटने के बाद स्टूडेंट्स क्या बचता है देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का वन एक साथ और प्लस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू डी एक्स। अब दो पार्ट में स्टूडेंट्स इसे ब्रेक करके हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये बनेगा एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस का एक्स। अब स्टूडेंट्स लिखा हुआ है टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन, तो टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स कितना प्लस का टू का बाहर कर लेते हैं, ये लिखा गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू डी एक्स। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं टेन इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस का एक्स प्लस का टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस का एक्स और प्लस का टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस का एक्स, तो प्लस का एक्स तो ये नहीं है, प्लस का एक्स ये भी नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है देखिए, सो थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग,
एलसीएम कितना आया था सुन बताइए, एलसीएम हमारा कितना आया था यहाँ पे, यहाँ पे शेषफल कितना आया था, देखिए शेषफल आ जाएगा मेरे ख्याल से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वन, तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस था, दो आ रहा था यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्लस होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है देखें, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन का स्टूडेंट्स हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग दो पार्ट में सबसे पहले ब्रेक कर लेंगे एंड दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसके सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। दो पार्ट में ब्रेक करने जाओगे तो ए तो हमारा बाहर हो गया, एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स प्लस बी तो बाहर हो गया, वन अपॉन सी एक्स प्लस डी इंटू में डी एक्स। इसे तो स्टूडेंट्स हम लोग लॉग ऑफ लिख देंगे, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या इसको हमको सी बनाना चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें सी से मल्टीप्लाई किए तो सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस डी किया हो तो एक माइनस डी भी करना पड़ेगा। अब इसके स्टूडेंट्स कितने हिस्से बच गए, दो हिस्से, एक ए अपॉन सी, एक सिंपल बनेगा वन, एक माइनस का डी अपॉन सी एक्स प्लस का डी इंटू में डी एक्स प्लस का बी इंटीग्रेशन वन अपॉन सी एक्स प्लस का डी इंटू में डी एक्स। फाइनल आंसर देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनल आंसर में आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा ए अपॉन बी ए अपॉन सी इंटू एक्स, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का, सबसे पहले तो ये लॉग लिखेंगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ सी एक्स प्लस का डी एक साथ डिवाइड में सी, और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा जाएगा ए अपॉन सी, ए अपॉन क्या चीज सी, और फिर माइनस माइनस प्लस बी बी अपॉन सी इंटू लॉग ऑफ सी एक्स प्लस का डी, और प्लस में क्या ऑप्शन देखिए सी प्लस का सी। अब इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से बी बाई सी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी हमारा ए बाई सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बी बाई सी माइनस का ए बाई सी। तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद ऑप्शन नंबर कौन सा स्टूडेंट्स बताइए, ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है कितना, ए बाई सी इंटू एक्स प्लस के साथ बी सी माइनस का ए डी अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में लॉग ऑफ मॉड सी एक्स प्लस का डी, और प्लस में क्या सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा स्टूडेंट देखिए सी। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 37 में क्या है देखिए, सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो साइन अपॉन ये, तो एक साइन बच जाएगा तो साइन से साइन कैंसिल, ऊपर साइन अपॉन कॉस, तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा टेन एक्स यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स बचेगा, कितना बचेगा स्टूडेंट देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा इसमें देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद एक कॉस बचेगा तो कॉट हो गया, और ये हो गया कॉस का कॉस एक, तो कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स का इंटू टेन एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट सेक एक्स, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का कॉस एक एक्स और प्लस का सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। तो सेक एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे देखिए, साइन ऑफ एक्स के साथ मॉडिफिकेशन, तो एक्स माइनस अल्फा एक साथ, तो प्लस अल्फा अलग करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ रखते हैं और डिवाइड बाय क्या लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ऑफ सी प्लस डी का, तो साइन ऑफ सी प्लस डी स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी साइन ऑफ सी साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी डेट इज साइन ए कॉस साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस माइनस नहीं प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा बाहर और सिंपल कॉस ऑफ अल्फा बाहर हो गया तो एक्स हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट देखिए कॉस ऑफ अल्फा बाहर अंदर बच गया डी एक्स, क्या बच गया डी एक्स।
फिर प्लस के साथ ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉट बन जाएगा, साइन अल्फा बाहर, ये बन गया स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। इसका स्टूडेंट्स हमारा एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस के साथ ये बन जाएगा स्टूडेंट्स साइन अल्फा। इस पर स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं लॉग साइन अल्फा, तो लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा मॉड लगा देंगे अब प्लस का क्या सी, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें देखिए एक्स कॉस अल्फा प्लस का साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें देखिए बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 39 में इसमें देखिएगा तो साइन 3x इंटू साइन 2x, तो ये स्टूडेंट्स दोनों फंक्शन साइन में है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों का साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी साइन ऑफ ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन ऑफ ए इंटू बी स्टूडेंट्स फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमको यहाँ पे एक दो की आवश्यकता है, जैसे दो मिलेगा स्टूडेंट्स तो दो बनते यानी टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा देखिए कॉस ए माइनस बी प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है हमारा किसका पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का, यानी कि टू साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो नहीं है तो दो देना पड़ेगा, तो दो देंगे तो दो से डिवाइड, इंटीग्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी, डेट इज सिंपल में एक्स बचेगा, फिर माइनस के साथ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे स्टूडेंट्स क्या बचेगा कॉस ऑफ फाइव एक्स और साथ में क्या लगेगा डी एक्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं वन अपॉइंट टू कॉस का हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन एक्स माइनस का वन अपॉइंट फाइव और साथ में साइन ऑफ फाइव एक्स प्लस का सी, ऑप्शन कौन सा है इसमें देखिए वन अपॉइंट टू साइन एक्स और यह वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टेन हो जाएगा, इसे स्टूडेंट्स लिखेंगे वन अपॉन टेन, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ओके यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कॉस का, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला का लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले, फॉर्मूला लिस्ट बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लिस्ट आप देख के ध्यान दीजिए, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस का कॉस ऑफ ए माइनस का बी, ये स्टूडेंट्स बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के साथ, या पहले लिख दीजिए पहले माइनस वाला आएगा बाद में प्लस वाला, इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स देखिए कॉस ऑफ यानी कॉस नहीं ये बनेगा कॉस ऑफ पहले माइनस वाला तो ए माइनस बी अब फिर माइनस के साथ अब आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या चीज़ साइन ऑफ साइन नहीं कॉस ही रहेगा तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे दो है एक कॉस है फिर क्या है साइन, तो यहाँ फॉर्मूला लगना चाहिए कौन सा कॉस साइन यानी यह फॉर्मूला लगना चाहिए, तो जैसे स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लगा तो दो की कमी है तो दो बाहर कर लो इंटीग्रेशन के साथ, अब साइन ऑफ ए प्लस बी दोनों को जोड़िए तो दोनों को जोड़िएगा तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा फाइव एक्स, फिर बाद में दोनों का घटाना है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए एक्स हो जाएगा, तो सिंपल में हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू में डी एक्स के साथ, इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है
वन अपॉन टेन साइन का जगह माइनस के साथ कॉस ऑफ 5x माइनस है। अब इसे स्टूडेंट्स लिखेंगे हम लोग वन अपॉन टू कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, अब प्लस का कितना सी, चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, माइनस के वन अपॉन टेन, माइनस के वन अपॉन टेन कॉस ऑफ 5x, माइनस के वन अपॉन टेन कॉस ऑफ 5x, अब माइनस का ये। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा प्लस आएगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा प्लस, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें क्या करना है फॉर्मूला लिस्ट याद करना है। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो सबसे पहले 1/2 आ जाएगा, साथ में स्टूडेंट्स इसे लिखा जाएगा दोनों का सम, तो कॉस ऑफ 5x प्लस के साथ कॉस ऑफ दोनों का घटाएंगे तो आ जाएगा 3x इंटू में dx, इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 1/10 साइन ऑफ 5x प्लस 1/6 साइन ऑफ 3x प्लस का सी, ऑप्शन नंबर कौन सा स्टूडेंट देखिए सी। ओके स्टूडेंट्स तो आज के क्लास का स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियोस को रिवाइंड करें और बार बार देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, एक एक सॉल्यूशन को बिल्कुल इत्मीनान के साथ देखें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियोस अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से वो आप तक पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स बेसिक आपको फॉर्मूला यानी ट्रिगोनोमेट्री का स्टूडेंट्स एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का आपको याद होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सर्टेन अप्रोच की आवश्यकता है, कभी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और कभी एक स्मॉल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। ओके स्टूडेंट्स तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।